अब हम समझते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारी फर्म्स होती हैं। ठीक है, देखिए फर्म्स किसके अंडर होती हैं, इंडस्ट्री के अंदर, बड़ी इंडस्ट्री के अंदर। जैसे सपोज ये हमारी है इंडस्ट्री। ठीक है, अब इसमें जो है ये छोटी छोटी, ये हमारी क्या है, फर्म्स, ये हमारी छोटी छोटी क्या है, फर्म्स हैं, ये फर्म्स हैं। ठीक है, अब ये जो प्राइस सेट करेंगे वो इन छोटी इंडस्ट्रीज को मानना पड़ेगा। ये प्राइस क्या हो गए, ये प्राइस मेकर हो गए, और ये जो छोटी छोटी फर्म्स हैं दैट इज प्राइस टेकर, ये प्राइस टेकर हो गए। तो अब परफेक्ट कंपटीशन में अब देखिए इंडस्ट्री कैसे अपने प्राइस सेट करती है, वो हम मैं आपको बताती हूँ। वो डिमांड और सप्लाई को देखते हुए, मार्केट में प्रिवेलिंग डिमांड और प्रिवेलिंग सप्लाई को देखते हुए प्राइस सेट करती हैं। देखिए ये जो है ये सप्लाई कर्व, ठीक, और ये जो है दैट इज डिमांड कर्व, ये हमारा इतनी क्वांटिटी का इतना प्राइस सेट हुआ। यहाँ पे जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों कट करते हैं, ये हमारा यहाँ पे इतनी क्वांटिटी का इतना प्राइस सेट किया किसने, इंडस्ट्री ने। ठीक है, अब ये इंडस्ट्री तो हो गई प्राइस मेकर, हो गई, इन्होंने प्राइस इस सेट किया। अब इसको फॉलो कौन करेगा, ये जो है छोटी छोटी फॉर्म्स, ये वाले प्राइस फॉलो करेंगी, मतलब प्राइस ये वाला सेट कर दिया। इज दैट क्लियर, ये हो गई फॉर्म और ये हो गई इंडस्ट्री। इस देखिए इन्होंने प्राइस सेट किया, अब इन्होंने क्या किया, फॉर्म ने फॉलो किया। इसका मतलब है चाहे हमारी कितनी भी यूनिट्स खरीदें, इतने मतलब सपोज 5 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, कितनी भी यूनिट्स खरीदें, हमारा पर यूनिट प्राइस इतना ही रहेगा। इज दैट क्लियर, होप आपको ये इक्विलिब्रियम ऑफ अ इंडस्ट्री और फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन में क्लियर हो गया होगा।